तुम्हारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, वरना कुर्सी छोड़ दो, हमारी मांगे पूरी करो, हमें क्या चाहिए पानी चाहिए, हमें क्या चाहिए पानी चाहिए। रामनगर के सैन पंचायत में आज जहाँ की वाम जो है इन सब लोगों ने एक मीटिंग करके यहाँ की वाम ने एक फैसला लिया है कि जहाँ पर सैन पंचायत में पीएचई विभाग की तरफ से पीएचई विभाग की तरफ से 5 प्रोजेक्ट जो कि इनकी तरफ से लगाए गए हैं और उन्होंने अभी ये फैसला लिया है अब जाने की अब शेमा प्रोजेक्ट भी है इनकी तरफ से आगे के लिए इन्होंने तैयार कर दिया है और हम ये जहाँ की वाम ने आज ये फैसला लिया है कि वह शेमा प्रोजेक्ट है और उसका कार्य है आगे के लिए नहीं होना देंगे क्योंकि जहाँ की वाम को है अभी तक है किसी भी आदमी के घर में भी है विभाग की तरफ से कोई भी है पानी की सप्लाई नहीं की गई है जिस कारण आज जहाँ की वाम ने एक फैसला लिया है कि अगर जब तक यहाँ की वाम को पीएचई विभाग की तरफ से पानी की सप्लाई नहीं दी जाती लोगों के घर घर में नलके नहीं लगाए जाते तो यहाँ की इमाम है वह उस छेमे प्रोजेक्ट का कार्य जो है बिल्कुल भी नहीं होने देगी और इस कार्य को अगर जल्द से जल्द इन लोगों की मांगों को अगर पूरा नहीं किया जाता तो उसके लिए चाहे इन लोगों को अपनी जाने भी क्यों ना कुर्बान करना पड़ती तो भी जो लोग बिल्कुल नहीं खड़ेंगे और हम ये विभाग के आला अधिकारियों से ये गुजारिश करना चाहते हैं कि हमारे लोगों की जो भी डिमांड्स हैं उस उनको जमीनी सतह पर समझकर उनको जल्द से जल्द पूरा किया जाए। आप सिर्फ बड़ी बड़ी कुर्सी पर बैठकर जैसा फैसले लेते हो जो फैसले कुर्सियों पर बैठकर नहीं हमारे गांव गांव में आकर जहां की लोगों की समस्याओं को समझें और आप जहां पर जमीनी सतह पर आके लोगों की डिमांड्स जो भी हैं उनको जल्द से जल्द पूरा करें। और खास बात तो ये बता देना चाहता हूँ कि पीएचई विभाग जो है वह इस कुंड रसैन गांव से पानी लेने के लिए पूरे दूर दराज के क्षेत्रों में पानी पहुंचाने के लिए चक्कर में लगा हुआ है और नए से नए प्रोजेक्ट लगाकर केवल अपनी जेबें भरने के लिए लगा हुआ है ना कि लोगों को सुविधा पहुंचाने में लगा हुआ है। और आज की डेट में ये बता देना चाहता हूं कि अगर आप कहीं भी कागजी रिपोर्ट में देखें तो रसैन गांव में है हर घर के बंदे के घर में है पानी की सप्लाई पहुंच चुकी है लेकिन अगर जमीनी सतह पर देखा जाए तो ऐसा कुछ भी है देखने को आपको नहीं मिलेगा जिसकी हम कड़ी मुजम्मत करते हैं। और इसी के चलते मैं गवर्नर इंतजामिया से तथा जिला इंतजामिया से यह गुजारिश करना चाहता हूं कि जहां के लोगों की जो भी समस्याएं हैं उनको जल्द से जल्द पूरा किया जाए और जिन जिन लोगों के घरों में अभी तक है पानी की सप्लाई नहीं की गई है वह जल्द से जल्द पूरी की जाए। और आप बात करते हैं शेमे प्रोजेक्ट की तो उसका कार्य भी हम बिल्कुल भी हम नहीं खोने देंगे जब तक हमारे लोगों को जहां के लोगों को पानी की सुविधा नहीं मिलती तब तक हमें उस कार्य का बिल्कुल भी कार्य नहीं खोने देंगे। धन्यवाद।